अस्सलाम वालेकुम। और यार शादी सीज़न ना आ चुका है, मतलब चाचा ताया फूफा पता नहीं कौन कौन से कज़न की शादियाँ हो रही होती हैं, आपकी दोस्तों की शादियाँ हो रही होती हैं, और कभी कभी दोस्तों की बहन भाइयों की शादियाँ, मतलब शादियाँ शादियाँ हो रही होती हैं। और आपको इस वक्त रियलाइज़ होता है कि इन इवेंट्स के लिए आपको चाहिए एक सूट। ठीक है, यहाँ फंस जाते हो कि सूट कहाँ से, सूट बनवाने का सीन क्या होता है, सबसे ज़रूरी बात पैसे कितने लगेंगे। और क्योंकि मेरे अपने कज़न के भी शादी आ रही है 1-1.5 महीने में, उसके लिए मुझे अपने लिए कुछ सूट या देखो कुछ ब्लेजर टाइप चाहिए। क्योंकि मैं निकलूंगा कुछ सूट शादी हंटिंग पे, तो मैं सोचा आपको साथ ले चलूं और आपकी जो सारे मसले हैं ना कि सूट कैसे बनता है क्या होता है वो सारे मसले सॉल्व कर लें। और क्योंकि आप लोग के बजट माइंड में होता है, तो जिस जगह मैं जा रहा हूँ ना उन्होंने शादी सूट सीज़न के लिहाज से काफ़ी अच्छी डील्स निकाली हुई हैं, तो इसलिए अब चलते हैं ब्लैक नीडल्स। At a very low cost, ताकि स्टूडेंट बजट पे भी हमारे दोस्त कॉलीग्स जो हैं वो भी अच्छे लग पाए अपने फेयर वगैरह पे, एंड दे डोंट हैव टू गो ओवर बजट। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि वो इतनी अच्छी क्वालिटी आहर जो दे पा रहा है, इतनी प्रीमियम क्वालिटी जो दे पा रहा है एट दिस प्राइस, बिकॉज वो इन हाउस रन कर रहा है। जब आपकी आपकी अम्मियाँ वगैरह जाती होंगी पहले बुटीक्स पे, वो जो एक ही बचपन में मुझे लेके बड़ी जाती थी, उन्हीं का शौक उनको क्यों अच्छा लग रहा था कि यार बहुत पर्सनलाइज एक तो इफेक्ट होता है, काम में बड़ी साफ सुथराई होती है, तो ये सारी चीज़ें। तो दिस इज व्हाट ही इज डूइंग एंड दिस इज डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। वो इन हाउस सब कर रहा है, इज सेविंग हिज कॉस्ट और वो मार्जिन अपने मेंटेन कर रहा है। सो आहर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला जो होता है लोगों को बजट का ही होता है, और कितने का सूट या जो भी आप बनवाने आते हो कितने का बनेगा वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि अभी बता दिया तो मजा खत्म हो जाएगा। बाहर अभी सूट बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट द सूट। जब आप सूट बनवाने आते हो ना, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ता है कि भाई आपको फैब्रिक कौन सा चाहिए, कलर कौन सा चाहिए। तो फैब्रिक के मामले में जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर भाई आपको सीरियल पोजीशन में नहीं, अगर आपको बड़े पैसे खर्च नहीं करने, अगर आप रोज सूट नहीं पहनते, तो यार इटालियन वगैरह को अवॉइड करो। क्योंकि यार आप इतना खर्चा आप पे करना बनता ही नहीं, आपने 6 महीने में मैक्सिमम एक या दो दफा सूट पहनना है किसी की शादी में कोई इवेंट में, उसके अलावा आप पहनोगे नहीं। तो गो फॉर समथिंग ट्रॉपिकल, जिससे आपके थोड़े पैसे भी बच जाएंगे और आप लोगों के भी अच्छे। जब कलर की बात आती है, तो आई वुड से कि आप लोग पहनो कुछ ना समथिंग ओवर समथिंग सॉलिड, समथिंग सिंपल। जो आपका ग्रेज हो गए, जो आपके ब्लूज हो गए, ये ऐसे कलर होते हैं यार जो हमेशा चलते हैं, जो आपको बहुत वर्सेटिलिटी देते हैं। और एक दफा जब आपके ये बेसिक सॉलिड कलर्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपने एक ब्लू सिलवा लिया, ग्रे सिलवा लिया, उसके बाद गो फॉर समथिंग, आप पैटर्न की तरफ जा सकते हो, चेक की तरफ जा सकते हो। और इस दफा मुझे लग रहा है मैं भी ना थोड़ा कुछ पैटर्न की तरफ खेलता हूं। फिर आपकी मेजरमेंट्स होती हैं, और इस वक्त आपको जो टेलर बोल रहा होता है ना, आपने चुपचाप अच्छे बच्चों की तरफ फॉलो करना होता है, ताकि जो भी आउटफिट अपने लिए बनवा रहे हैं सिलवा रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी मेजरमेंट्स के लिहाज से आपके लिए स्टिच हो। में शूटिंग में फिर आपका होता है ट्राई कपड़ा, तो अनुमान भाई को मैं तंग करता रहूंगा आपसे बात करने के लिए। तो इसमें आपको सूट कच्चा बनता है, एंड चेक के यार स्लीव की लेंथ सही है, कोट सूट की लेंथ सही है, ये सारी चीज़ों का वो मेजरमेंट होती है। और ट्रायल मैंने कहा था इसलिए इतना ज़रूरी होता है क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी के यू नो किसी के हाथ लंबे होते हैं, किसी की बैक में कोई आज डिफरेंट तरीके से होता है, उन सारे को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ना ट्रायल होता है कि यार अब सूट सही बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो इसलिए ट्रायल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेलर मेड शूटिंग आई थिंक सबसे खूबसूरत बात ही ये होती है, जब आप एक टेलर शूट पहनते हो ना, तो उसकी फील बिल्कुल अलग होती है यार। क्योंकि जो टेलर मेड शूट होते हैं ना, वो स्पेशली सिर्फ आपके लिए बने गए होते हैं। रेडीमेड शूट तो एवरेज साइजेस पे, स्टैंडर्ड साइज पे बने होते हैं, वो तो कोई भी उठा सकता है, सिर्फ आपके लिए बने थे। लेकिन दिस सूट वॉज डिज़ाइन वॉज मेड दैट इट फिट्स यू एब्सोल्युटली परफेक्ट, इट वॉज मेड ताकि आप उसमें अपना बेस्ट लगे। और मेरे ख्याल से ब्लैक नीडल्स ने बिल्कुल यही काम किया इस ब्लेजर के साथ, और मैं ब्लेजर के साथ गया क्योंकि मेरे पास ना काफ़ी सूट्स थे, आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। और मेरे ख्याल से ये चेक ये पैटर्न ब्लेजर, इट लुक्स रियली नाइस, मैं इसको काफ़ी डिफरेंट तरीके से पहन सकता हूँ। अभी मैंने जो पहना हुआ है, आई थिंक दैट्स द मोस्ट बेसिक, दैट्स द मोस्ट कॉमन वे ऑफ वेयरिंग अ ब्लेजर। इसके नीचे मैंने चीनो पहनी हुई है, यू नो दिस इज परफेक्ट फॉर अगर मुझे कोई मीटिंग पर भी जाना है, इट्स सेमी फॉर्मल लुक के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। मैं इस ब्लेजर को पहन सकता हूँ स्वेटर्स के साथ,
साथ, हाई नेक्स के साथ, द पॉसिबिलिटी आर एंडलेस। और मुझे मेरे ख्याल से दिस ब्लेजर फिट्स मी अमेजिंग, इट लुक्स अमेजिंग, इट फील्स अमेजिंग, एंड ब्लैक नीडल्स यू गाइस हैव डन एन अमेजिंग जॉब। और इसके अलावा अगर आप बोलेंगे यार सनम प्राइस रेंज अब बता दो, कब से आपने रोका हुआ है, तो यार अब मैं आपको प्राइस रेंज के बारे में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे आहद ने बोला था कि अगर सनम आपके सोफिस्टिकेट भाई हैं, हमारे सोफिस्टिकेट फैमिली से कोई जाएगा तो उसका वो स्पेशल ख्याल रखेगा, तो आप लोगों को जो है ना वो प्राइसेस स्पेशली मिलेंगी अगर आप जाएंगे। तो मुझे जो मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ, क्योंकि यार काफ़ी डिफरेंट छूटेंगी ना, डिफरेंट फैब्रिक्स होते हैं, फिर यू नो हो सकता है कि आप किसी को टू पीस बनाना है, किसी को मेरे साथ ब्लेजर बनाना है, किसी को थ्री पीस बनाना है, किसी को शर्ट वगैरह सब चीज़ें करनी है। तो इसलिए व्हाट आई वुड रिकमेंड कि यार मैं आपको एक रेंज दे देता हूँ, तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग 10,000 से 20,000 के बीच में आपको देख रहे हो ना, तो मेरे ख्याल से ब्लैक नीडल जो प्लेस टू गो, इट इज़ वेरी रीजनेबल फॉर द क्वालिटी जो ब्लैक नीडल्स ऑफर कर रहे हैं। मतलब आपको काफ़ी प्रीमियम सर्विस मिलती है फॉर अ वेरी वेरी रीजनेबल फॉर अ वेरी बजटेड प्राइस। और वो इसलिए होता है जैसे मैंने पहले बोला था, बिकॉज ही इज़ रनिंग थिंग्स इन हाउस, इसकी वजह से वो जो होते हैं ना कॉस्ट बचा लेते हैं, अपने मार्जिन मेंटेन करते हैं, और आपको काफ़ी अच्छी प्राइस पर बहुत हाई क्वालिटी चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। सो आई थिंक अगर आप लोग एक सूट की तलाश में, एक सूट हंट पे हैं, तो मेरे ख्याल से डू गिव ब्लैक नीडल्स अ ट्राई, आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, और आपको इस किस्म की व्लॉग टाइप वीडियो अच्छी लगे तो मुझे नीचे कमेंट पर बताएं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे मेरा कहीं जाने का दिल नहीं चाह रहा, इतना अच्छा लग रहा हूँ मैं इस ब्लेजर पर, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा क्योंकि अभी जाएंगे तो और वीडियो हम लेके आएंगे। और अगर आपको वो वाली वीडियोज़ देखनी है तो सब्सक्राइब करके बेल पर हिट कर देना, वरना पता ही नहीं चलेगा मैंने वीडियो कब डाली है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दे दो, अल्लाह हाफिज़, एंड रिमेंबर बी सोफिस्टिकेटेड।